Hi everyone, welcome to the channel Psych Learning. It's the Pika again, and today we are doing day 9 video, जिसके हमें 15 videos करने हैं. हमने 15 day challenge लिया है to do the statistics from the start to finish, and इसके already हम 8 videos कर चुके हैं, जिसमें हम statistics की basics से लेके last तक कर चुके हैं. इससे पहले हमने correlation regression किया है, तो आप उन videos को जाके हमारे YouTube channel पर देख सकते हैं, ताकि आपको चीजें पता चल जाए. क्योंकि जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि जो आपको doubts हैं वो एक दूसरे से interconnected डॉट्स होते हैं. आपको डिटेल अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर आप इस क्लास का उस क्लास का मिक्स करके नहीं समझेंगे, एक साथ कनेक्ट करके नहीं समझेंगे, तो आपको वो शायद समझ में नहीं आएगा. तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है उसे आप डिटेल में करें. इसके अलावा आप उसकी अंडरस्टैंडिंग पुरानी क्लास के वीडियो से भी रेफर करें, तो आप जाके वो देख सकते हैं. बाकी आज हम डे 9 स्टार्ट करने वाले हैं, तो जिसमें हम ये करने वाले हैं कि टी टेस्ट क्या होता है, इसकी कुछ अजम्पशंस हैं हम वो करने वाले हैं, कुछ तरह के टाइप ऑफ टी टेस्ट होते हैं, जैसे कि इंडिपेंडेंट सैंपल, डिपेंडेंट सैंपल, उन सब के मेथड्स एंड न्यूमेरिकल्स हम आज की क्लास में करने वाले हैं. तो स्टे ट्यून्ड, वीडियो को एंड तक देखें एंड बीच में भी ब्रेक ना करें, सो दैट आपको सब कुछ समझ में आ जाए. तो आई थिंक लेट जस्ट मूव ऑन एंड डू द फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, दैट व्हाट इज अ टी टेस्ट. तो टी टेस्ट बेसिकली एक ऐसा टेस्ट है जैसे कि हम स्टूडेंट्स टेस्ट भी बोलते हैं. इसे क्यों बोलते हैं, आई विल टेल यू. एक्चुअली ये विलियम स्टेनली गॉसट ने डेवलप किया था 1908 में, बट क्योंकि ये क्वालिटी ऑफ डार्क बियर्स के कंट्रोल के लिए टी टेस्ट इस्तेमाल किया गया था, तो वो जो पब्लिकेशन में अपना नाम लिखते थे वहाँ पे वो नाम लिखते थे स्टूडेंट्स, तो इस वजह से ये स्टूडेंट के टी टेस्ट के नाम से फेमस हो गई टेक्निक. ओके, सो इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय हिम. ही पब्लिश्ड हिज आर्टिकल अंडर द सीडोनेम ऑफ स्टूडेंट, दैट्स वाई इसी नाम से वो फेमस हो गया. अब आप बहुत गौर से सुने कि हम टी टेस्ट का इस्तेमाल करते क्यों हैं. सो टी टेस्ट इज यूज टू कंपेयर द मीन्स ऑफ टू ग्रुप्स. दो ग्रुप हैं आपके पास और आपको उन दोनों के बीच में कंपैरिजन करना है कि कौन सा वैल्यू में ज्यादा है, कौन सा कम है. उसके लिए हम टू ग्रुप टेस्ट करते हैं, टी टेस्ट करते हैं. ठीक है, अब इट इज ऑफन यूज इन अ हाइपोथेसिस टेस्टिंग टू डिटरमाइन कि वेदर जो प्रोसेस या ट्रीटमेंट आपने लगाया क्या वो यूजफुल था या नहीं था. फॉर एग्जाम्पल, आप बोलो कि मैं एक ग्रुप को हर टेस्ट के बाद चॉकलेट प्रोवाइड करूंगा या करूंगी और दूसरे ग्रुप को मैं कोई भी चॉकलेट या कुछ नहीं दूंगी. फिर मुझे उन दोनों के रिस्पॉन्स, जो मार्क्स आए हैं, उन्हें कंपेयर करना है. तो वो जो ट्रीटमेंट आपने दिया, क्या उसका कोई इम्पैक्ट किसी भी ग्रुप में आया, ये अगर आपको पता लगाना है तो आपको टी टेस्ट करना होता है. अब टी टेस्ट क्या होता है कि दे कैन यूज ओनली टू ग्रुप्स. ये आपको बहुत ध्यान से समझना है कि टी टेस्ट सिर्फ दो ग्रुप्स के बीच में कंपैरिजन कर सकता है. दो से ज़्यादा ग्रुप में अगर आपको कंपैरिजन करना होता है तो आप अनोवा करते हैं, जो हम आगे की क्लासेस में करेंगे. ठीक है, टी टेस्ट एक पैरामेट्रिक टेस्ट है डिफरेंस का, और इसमें हम मीन देखते हैं, तभी ये पैरामेट्रिक है. दैट इट इज अज्यूमिंग दैट द अजम्पशंस और डेटा इज जस्ट लाइक द अदर पैरामेट्रिक टेस्ट. थोड़ा सा डिटेल में इसे करते हैं और समझते हैं कि इसके अजम्पशंस क्या होती है. सो टी टेस्ट अज्यूम दैट योर डेटा इज इंडिपेंडेंट. वॉट एवर द डेटा आपने जो लिया है वो किसी पर निर्भर नहीं है, वो इंडिपेंडेंट डेटा है. इसके अलावा ये अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. आप ये अज्यूम करते हो कि जो आपकी पॉपुलेशन है वो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के हिसाब से वेरिएबली डिवाइडेड है. इसके अलावा दे हैव अ सिमिलर अमाउंट ऑफ वेरियंस विद इन ईच ग्रुप बींग कम्पेयर्ड. आप जिस भी ग्रुप को देख रहे हो उसके में जो वेरिएंस हैं, जो डिफरेंस है उनके बीच में, वो भी सिमिलर है, जिसे हम होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस कहते हैं. मतलब जो उनमें वैरायटी है, जो जिस तरह से वो फैले हुए हैं, वो सेम है बिल्कुल. डेटा कॉन्टीन्यूस लेवल पे है, ठीक है, इंटरवल डेटा है. सैम्पल डेटा रैंडमली सेलेक्टेड है फ्रॉम द पॉपुलेशन. ठीक है, अब जैसे अगैन अजम्पशंस आपको समझनी है तो आप पैरामेट्रिक के अजम्पशंस देख सकते हैं. इसके लिए आपको पुरानी वीडियो देखनी पड़ेगी, पैरामेट्रिक टेस्ट है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट वाले, तो आप वो जाके इजिली देख सकते हैं कि किसमें कौन से टॉपिक कवर है. एंड यू कैन कवर दीज टॉपिक्स अकॉर्डिंग टू योर ओन सूटेबिलिटी, टाइम, जैसे भी लगे. सो आई होप ये आपको समझ में आ गया टी टेस्ट का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं और किस किस सिचुएशन में करते हैं. अब आपको मैं बताती हूँ, दो तरह के टेस्ट होते हैं. मैं न्यूमेरिकल से पहले समझा दूंगी कि वो क्या है. यू हैव इंडिपेंडेंट सैम्पल टेस्ट. तो इंडिपेंडेंट सैम्पल टेस्ट ये होते हैं जहाँ पे आपके पास दो अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, दो अलग सैम्पल पॉपुलेशन होती है, एंड दे आर नॉट कनेक्टेड टू ईच अदर इन एनी वे. फॉर एग्जाम्पल, आप बोल रहे हो कि मुझे ये देखना है कि क्लास में मैथ्स में गर्ल्स के और बॉयज़ के मार्क्स कितने आते हैं. ठीक है, ओके, आप ये देख रहे हो कि गर्ल्स एंड बॉयज़ में क्या डिफरेंस है. दोनों डिफरेंट है, दोनों बिल्कुल अलग है. ओके, लेट्स डू द न्यूमेरिकल. थोड़ा सा जूम करते हैं सो दैट वी कैन सी इट क्लियरली. ओके, जस्ट सी इट. सो इट इज आस्किंग दैट
एन एंट्रेंस टेस्ट वॉज एडमिनिस्टर्ड इन 6 बॉयज एंड 10 गर्ल्स, ठीक है, 6 लड़के थे, 10 लड़कियां थी, उन पे एक इंटरेस्ट टेस्ट लगाया गया और फिर देखा गया कि उन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस आता है। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये बॉयज के स्कोर हैं, तो ये 6 बॉयज हैं और ये 10 गर्ल्स हैं, यहाँ पे इनके स्कोर्स लिखे हुए हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं ये सारे इनके स्कोर्स हैं, यू कैन सी दिस। अब हमने क्या किया, व्हाट वी हैव डन इज वी हैव जस्ट रिटन हियर, वी हैव रिटन X1 एंड वी हैव X2। ओके, हमने इनका X1 निकाला, वी हैव फाइंडेड आउट द मीन, देन वी हैव सब्ट्रैक्टेड एंड जो भी वैल्यू आई हमने उसको स्क्वायर किया, सेम चीज़ें जो हमने रिग्रेशन में भी किया था, एंड हमने दोनों के लिए ये फाइंड किया, हमने इसका मीन वैल्यू निकाला एंड वॉट एवर द मीन वैल्यू इज हमने उसे ऐसे माइनस करके यहाँ वैल्यूज देखी एंड देन वी हैव डन द स्क्वायर ऑफ दिस। सेम चीज़ हमने यहाँ पर भी करी एंड वी हैव फाउंड दिस। उसके बाद से आप यहाँ देख सकते हो मीन 1 का फॉर्मूला σ(x1/n1), ये मीन निकाला, मीन आया 30। मैं रिपीट करती हूँ एक बार, हमने पहले एक पॉपुलेशन जो बॉयज है उसका मीन निकाला, मतलब टोटल पॉपुलेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ पॉपुलेशन विच इज 6, 28 + 35 + 32 + 24 + 36 + 35 को डिवाइड किया 6 से, तो हमारे पास मीन आ गया 30। ओके, फिर हमने 30 में से क्या किया, 28 माइनस किया -2, 35 किया 5, 32 किया 2, 34 किया -6, 36 किया -4 और यहाँ पे सबको स्क्वायर करके उनकी वैल्यूज लिख दी। फिर हमने मीन 2 किया, तो इसमें 20 + 16 + 25 + 34 + 20 + 21 सारा अप टू 15 हमने ऐड किया और उसे हमने 10 से डिवाइड किया क्योंकि गर्ल्स 10 हैं, और फिर मुझे मीन मिला 24। फिर 24 में से माइनस किया, तो -4 -8 -1 ऐसे सारी वैल्यूज मैंने यहाँ पे लिखी एंड देन मैंने इसका स्क्वायर किया एंड आई गॉट द सम ऑफ दिस। स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला भी हमने पहले किया है, वी हैव अपॉइंटेड दिस σ(x²) + x²² / (n1 - n1) + (n2 - 1) यहाँ से ये वैल्यू आ गई और यहाँ पे आपको ये देखना है जहाँ से आपका स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिविएशन का वैल्यू आया 2.96। फिर आपने क्या किया, आपने टी का फॉर्मूला लगाया विच इज mean 1 - mean 2 - 0 / standard error of deviation, ठीक है, फिर ये वैल्यू आई। देन आपने क्या किया, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम निकाला, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपको नेट, गेट या JRF के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें भी क्वेश्चन में आता है। तो जो इंडिपेंडेंट सैंपल्स होते हैं उनका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होता है n-1 और n2-1, अब n1 क्या था 6 क्योंकि 6 बॉयज थे तो 6-1, n2 क्या था गर्ल्स क्योंकि गर्ल्स 10 है तो 10-1, सो वी हैव 5 + 11। ओके, सो वी विल गेट दिस, ये फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास, ये फाइनल आंसर आ जाएगा। अब जब आप टी टेबल देखोगे, जहाँ पर आप टी टेबल है वो आप देख सकते हो, आप चाहो तो गूगल से फाइंड कर सकते हो टी टेबल, नहीं आपको मिला है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, आई विल शेयर दैट विथ यू। वहाँ पे आपने 14 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में वैल्यू देखी 2.4 at 0.5 level, ठीक है, और हमारी वैल्यू 2.9 है, तो वी विल सिंपली से दैट कि जो मीन डिफरेंस है बॉयज़ और गर्ल्स में वो सिग्निफिकेंट नहीं है, इसका मतलब वी आर एक्सेप्टिंग द नल हाइपोथेसिस। तो आपको ये समझना है कि जब भी हम पैरामेट्रिक टेस्ट करते हैं अगर हमारी वैल्यू टेबल से बड़ी आती है ओनली देन वी कैन रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। इफ वी गॉट द वैल्यू विच इज लेस देन द टेबल वैल्यू तो हमें क्या करना पड़ता है, नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना पड़ता है। अब नल हाइपोथेसिस क्या होता है, इसके लिए आप पुरानी क्लासेस में जाके देख सकते हैं, दैट दिस इज नल हाइपोथेसिस कि दैट देर इज नो डिफरेंस बिटवीन एनी देर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द टू ग्रुप्स एंड यू कैन जस्ट एक्सेप्ट इट। इट इज क्लियर, राइट? आई होप यू अंडरस्टूड दिस एग्जाम्पल। ये स्टेप्स हैं, अगर आपको नहीं समझ में आया यू कैन जस्ट टेक अ स्क्रीन शॉट ऑफ इट सो दैट यू कैन रीड देम और यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन रीड द स्टेप्स। नेक्स्ट वी विल डू विद द डिपेंडेंट सैम्पल टेस्ट। सो आई विल टेल यू व्हाट इज अ डिपेंडेंट सैम्पल। डिपेंडेंट सैम्पल इज बेसिकली दैट सैम्पल जो एक दूसरे पर निर्भर है, जैसे कि आपने कुछ गर्ल्स को या कुछ बॉयज़ को, मतलब एक ग्रुप के बच्चों को आपने पहले कुछ नहीं दिया फिर उनका टेस्ट लिया, उसके बाद आपने उनको चॉकलेट प्रोवाइड करी फिर उनका टेस्ट लिया, मतलब ग्रुप सेम था और आपने उनको 2 बार टेस्ट किया, दैट इज डिपेंडेंट सैम्पल। फॉर एग्जाम्पल आपने पहले उन्हें नॉर्मली पढ़ाया फिर आपने उन्हें किसी डेमोन्स्ट्रेशन मेथड से पढ़ाया, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन देखिए, एट द बिगनिंग ऑफ द सेशन इन एजुकेशनल अचीवमेंट टेस्ट इन मैथ्स वॉज गिवन टू 111th grade students, 11th क्लास के 100 बच्चों को एक टेस्ट दिया गया और अचीवमेंट टेस्ट दिया गया उसका। देखो अब यहाँ पे ना स्कोर्स नहीं लिखे हुए हैं डायरेक्टली, इन्होंने मीन दे दिया है, क्वेश्चन में ऐसा भी देते हैं कई बार, बट सबके क्योंकि 100 बच्चों का लिखना बहुत मुश्किल है ना, तो उन्होंने डायरेक्टली दे दिया है कि इनिशियली जो टेस्ट लिया उसका मीन आया था 55.4 और स्टैंडर्ड डिविएशन 7.2 जो हमने ऊपर फाइंड करी थी क्योंकि छोटा सैम्पल था वो हम यहाँ नहीं कर पाए क्योंकि बड़ा सैम्पल है।
उसके बाद उन्होंने क्या किया, 6 महीने बाद उनको पढ़ाया सिखाया, ट्रेनिंग दी, और फिर उसका मीन निकाला जो कि 56.9 और 8.0 स्टैंडर्ड डिविएशन आया और स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन ये सब हो गया। ठीक है, फिर इससे निकालना काफ़ी आसान हो जाता है, बिकॉज आपको क्या करना है, मीन वन और मीन टू का सिग्मा स्क्वायर आपको करना है, विच इज स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर, एंड -2 आर सिग्मा m1 m2, बिकॉज दीज वैल्यूज आर गिवन, इट्स वेरी ईजी। आपने यहाँ पे स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिविएशन निकाल दिया SE, ठीक है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। उसके बाद आपने t की वैल्यू निकाल दी एंड यू गेट वही अगेन सेम फॉर्मूला जो ऊपर यूज किया था, सो यू गेट दिस 2.311 एंड डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, बिकॉज n1 -1 ही होता है इसमें, इसमें ओनली n-1 होता है क्योंकि एक ही पॉपुलेशन है ना, उसी को आपने पहले सिखाया, उसी को आपने बाद में सिखाया, तो इसमें दो नहीं है जैसे पहले थी कि n-1 n-2 n 2 n-1 n n-1, दो n नहीं है यहाँ पर, एक ही n है, तो 100-1 99 यहाँ पर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो गया, विच इज सिंपल। ठीक है, और अब अगेन टेबल की वैल्यू अगर आप देखते हैं तो वो जो है 2.6 एंड 2.3 वैल्यू आ रही है, एंड अकॉर्डिंग टू दिस यू कैन से दैट कि आपने जो है सब्सटैंशियल अचीवमेंट इम्प्रूवमेंट देखी है बच्चों में, तो इससे कोई इम्पैक्ट आया है। आई होप ये आपको समझ में आ गया। अब एक्चुअली इसी का एक दूसरा मेथड है, डिपेंडेंट सैंपल का ही एक डिफरेंस मेथड तरीका है, विच आई विल टेल यू वो कैसे होगा, वो जिसे कम बच्चों में हो पाएगा, जैसे मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जैसे कि 10 सब्जेक्ट्स हैं, उन्हें एटीट्यूड स्केल पर फाइंड किया गया, ठीक है, एंड उसके बाद उन्हें कुछ पढ़ने को दिया गया, कोई लिटरेचर पढ़ने को दी गई, उसके बाद दोबारा से उनका टेस्ट लिया गया। ओके, तो इनिशियल कंडीशन में ये सारे स्कोर्स आए थे और फाइनल कंडीशन में ये स्कोर्स आए। अब अगेन सेम उसी की तरह करना है, व्हाट यू विल डू, यू विल सब्ट्रैक्ट द बोथ कंडीशंस, क्या क्या हुआ, एंड देन यू विल एक्स इक्वल्स टू डी माइनस एम, डिफरेंस जो भी आया उसको आप, जो इसका मीन आया उससे आप निकालोगे, एंड देन व्हाट यू विल डू, यू विल स्क्वायर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। फिर यहाँ पर आपको एग्जैक्ट वही फार्मूला, टी का वही फार्मूला आपका यहाँ पे चेंज हो जाएगा, यहाँ पे md-0/SE लग जाएगा, एंड डिग्रीज ऑफ फ्रीडम सेम ही रहेगा n-1, सो बिकॉज देर आर 12 पीपल इट विल बी 11, एंड देन यू कैन सी इन द टेबल एंड यू कैन फाइंड द वैल्यू। ओके, इट्स जस्ट दैट कि अगर आपका डिफरेंस मैथड ज़्यादा, अदरवाइज अब इसको भी आप इस मैथड से कर सकते हो ना, आप इसका मीन निकाल के यहाँ रख दो, आप इसका स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल दो, इसका भी मीन निकाल दो, उसका भी स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल दो, और फिर ये वाला फॉर्मूला पुट कर दो, ये भी कर सकते हो, ईजी तरीका है, सो यू कैन डू इट इन बोथ वेज। Okay, I hope you understood, and that is it for today actually. I hope you get through all the topics which are there. जो आपको समझ में नहीं आए वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, समझ में आए हैं तो comment करके बताइए. Do like the video and share it with the people who need it. Do turn the notifications on so that you can know कि हाँ next video आ गई है. Day 10 के video कल start करेंगे with the new topics. कोई topic आपको लगता है जो छूट रहा है या आपको doubt है आप वो पूछ सकते हैं, I include that in my videos. That's it guys, take good care of yourselves. Bye-bye.